इनसे जाने की कोशिश करेंगे टेनिस का इंतखाब आखिर इन्होंने क्यों किया इस पे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम, क्या हाल चाल है आपके? माशाल्लाह आप तो बहुत क्यूट हो और टेनिस प्लेयर भी हो, तो आपसे ये जानना चाहूंगी बाकी भी स्पोर्ट्स हैं टेनिस ही क्यों? टेनिस ही क्यों? क्योंकि टेनिस में आप खुद हो, कोई टीम नहीं है, सही, तो आप ही की मेहनत है, डेफिनेटली हार्डवर्क ज्यादा है। आप जो परफॉर्म करेंगे तो आप ही का नाम आएगा, उसके बाद कंट्री आपके नाम के साथ ली जाएगी, कंट्री का नाम, तो कितनी अच्छी प्राउड मोमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, टेनिस शौक हुआ फिर सीखी क्या प्रॉपर? टेनिस का शौक मुझे मेरी सिस्टर की वजह से हुआ, मेरा खुद का शौक नहीं था। उसके बाद जब ही सीखना शुरू की तो बहुत इंटरेस्ट आ गया, पता चला कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, तो यस। और मेरे ख्याल से जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो वो आपको करने में भी मजा आता है, और फिर आपका जोश जो है और आपके काम में निखार भी पैदा करता है। स्टडीज भी आपकी साथ साथ चल रही हैं, स्पोर्ट्स भी साथ लेके चलना मुश्किल नहीं हो जाता मैनेज करना? इट इज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टडीज को आप साइडलाइन तो नहीं कर सकते, उसको तो आपको लेके चलना ही है। यस, टेनिस को मैं ब्रेक देती हूँ जब भी मेरे एग्जाम्स होते हैं, वो मिस करना पड़ता है, बट आई थिंक गेम अगर आपको आती है तो आप जितना भी ब्रेक दे दें उसके बाद आप रिकवर कर लेते हैं। स्टेज में पेरेंट्स की तरफ से बहुत जोर होता है, पहले अपनी पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दो, तो फिर दोनों चीजें मैनेज करना मुश्किल हो जाती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी इंस्पिरेशन कौन था टेनिस में, किसको देख के शौक होता था कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, मुझे टेनिस की नो हाउ नहीं थी टिल द एज ऑफ 14-15। माय सिस्टर वाज यू नो टेनिस की लवर, वो बचपन से ही देखती थी, यू नो इतने ये जो आंद्रिया गासे एंड ऑल सारा, तो शी वांटेड टू बी अ टेनिस प्लेयर, शी वाज वेरी इंटरेस्टेड, तो वो उनका शौक मैं पूरा कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे नॉलेज दी टेनिस की, उन्होंने कहा यार खेलो इसको, कैसी है, मजे की है, तुम सिंगल हो, खुद खेलोगी सिंगल प्लेयर बन के, और यू नो स्टफ लाइक दैट, शौक हुआ फिर खेला, तो यस मेरी इंस्पिरेशन वो थी। उसके बाद गेम में अगर मैं कहूँ कि मुझे कौन बहुत पसंद है, तो मुझे रॉजर फेडरर की गेम बहुत पसंद है, उनको देख के मैं भी सिंगल हैंड बैक एंड प्लेयर हूँ, विच इज लाइक लड़कियां नहीं है आई थिंक पाकिस्तान में। अच्छा, कैसा है पाकिस्तान में टेनिस के लिए माहौल, लड़कियों के लिए भी मुश्किलात हैं? एज कम्पेयर टू मैन, लड़कियों को प्रायोरिटी कम दी जाती है, ये तो है, बट यू नो हम मैनेज करते हैं, माशाल्लाह सेफ इन्वायरमेंट है फेडरेशन की तरफ से, हम अच्छे हैं, खुश हैं, बट थोड़ा सा आई थिंक प्रायोरिटी लेस है एज कम्पेयर टू मैन, या जो भी हम प्लेयर्स करना चाहते हैं उसकी तरफ से थोड़ा सा बैक कम है, सपोर्ट कम है, ये कह सकते हैं। कोचिंग का कितना अमल दखल है? कोचिंग देखें जी, कोचेज तो दे वेरी गुड, मैं जैसे मेरे तीन कोचेज हैं, आई हैव बीन प्लेइंग विद देम, तो डिफरेंट किस्म की गेम है, सर खालिद हैं, सर रशीद हैं, सर मुनीर हैं, तो यू नो वो उनके साथ तो मेरा अपना है ना, मैं खुद जाती हूँ उनसे खेलती हूँ, तो उसमें फेडरेशन का कोई लेना देना नहीं, कोचेज आर डिफरेंट, वी गो टू देम, वी प्ले विद देम, वी लर्न फ्रॉम देम। अच्छा, लाहौर में आपके पास जो कोर्ट हैं टेनिस के, इंटरनेशनल मेयार के हैं कि सिर्फ गुजारे लायक ही? कह सकते हैं कि अच्छे हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल तो डेफिनेटली नहीं है, उस लेवल के तो नहीं है, बट अच्छे हैं, वी कैन प्ले, वी हैव ग्रास कोर्ट, वी हैव हार्ड कोर्ट, आई थिंक क्ले की हमें कमी, क्ले सिर्फ एक दो क्लब्स में जहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ मेंबर्स खेल सकते हैं, तो वो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नेशनल टूर्नामेंट्स हमारे क्ले में होते हैं इस्लामाबाद में, तो वो ये है कि जो पंजाब की लाहौर की प्लेयर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ ग्रास और हार्ड में खेल के आप अचानक क्ले में टूर्नामेंट खेलो, तो इस वजह से थोड़ा सा हम पीछे रह जाते हैं हमारी सीनियर प्लेयर्स से। सही। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सब चीजें साथ चल रही हैं, फैमिली को भी आपने साथ लेके चलना है, अपने गेम को भी साथ लेके चलना है, फिर इश्यूज भी होते हैं, कभी बंदा खुश होता है, कभी बंदा मतलब इस सिचुएशन में नहीं होता कि आप उस तरह से परफॉर्म कर सको, तो इन सब चीजों के मेंटल आपके डिस्टर्बेंस भी कभी कभी होती है, कभी आप बहुत ज्यादा खुश भी होते हो, सब चीजों को साथ लेके चलना एक प्लेयर के लिए कितना मुश्किल हो जाता है? मैं एक एक बात बताती हूँ, आई वॉज अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड एंड आई एम बट कम हूँ, तो अभी टेनिस खेलने से मेरे में बहुत कंट्रोल और मेरी एग्रेसिवनेस कम, तो यही चीज़ मैं अपनी लाइफ में भी लेके आती हूँ कि सिचुएशंस को कंट्रोल करो, हमें टेनिस में गेम के दौरान मोर देन 2000 डिसीजंस लेने होते हैं, तो वी हैव टू बी यू नो मेंटली प्रिपेयर, तो जब भी आप यही चीज़ अपनी गेम की चीज़ भी लाइफ में ले आएँ, कभी कभी सिचुएशंस मैनेज कर लें, कभी कॉम्प्रोमाइज कर लें, कभी गुस्सा कर लें, तो आई कैन मैनेज द सिचुएशंस। अच्छा, अभी तक का कौन सा बेस्ट टूर्नामेंट है जिसमें अपनी परफॉर्मेंस और फिर किसी की परफॉर्मेंस ऐसी हो कि आप कह रहे हो कि मैंने इस तरह से खेलना है? मेरे लिए वो हर टूर्नामेंट बेस्ट है जिसमें मैंने अपने सीनियर प्लेयर्स से उन्हें टफ टाइम दिया,
क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जैसे हमारी बहुत अच्छी प्लेयर हैं सारा मंसूर, वो शी गाइड्स अस वेरी वेल, मुझे तो बहुत समझाती हैं, एंड दैट्स वेरी नाइस कि आपका सीनियर प्लेयर सपोर्टिव हो. तो उसमें ये है कि उनसे रिस्पेक्ट के साथ गेम लेना, कुछ कर लेना, टफ टाइम देना, वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है. और डेफिनेटली मैं जितनी इज्जत दूंगी आगे जाके मुझे भी इज्जत मिलेगी. बिल्कुल. तो यही है कि जो टूर्नामेंट में मुझे सीनियर प्लेयर्स मिलते हैं और उनके साथ मैं अच्छा खेलती हूँ, दैट इज द गुड टूर्नामेंट. अच्छा, टेनिस कहा जाता है बहुत एक्सपेंसिव गेम है. Yes. तो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता. पाकिस्तान में ऑब्वियसली उसी तरह से मौके नहीं होंगे जिस तरह बाकी ममालिक में होते हैं. तो क्या कहेंगी आप, आसानी कितनी होनी चाहिए? मुझे लगता है कि प्लेयर्स को, नॉट ओनली गर्ल्स या बॉयज़, जो भी हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप छोटी मोटी तो मिलती हैं, बट एक प्रॉपर स्पॉन्सरशिप, क्योंकि हमारी किट, हमारे रैकेट्स, हमारी बॉल्स इवन, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. तो उसमें मैं किसी को डिस्करेज नहीं करूंगी. कोई टैलेंट है वो जरूर आए डेफिनेटली, और इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाता है. वो डरे नहीं इस चीज से, हर किसी से कोई ना कोई गेम में मैनेज कर लेते हैं. बट यस, इट्स एन एक्सपेंसिव गेम, थोड़ा मुश्किल होता है, तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए इस मामले में. अच्छा, फैमिली की सपोर्ट कितनी ज्यादा जरूरी है अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं? सपोर्टिव माहौल होना तो एक अलग बात है. जब तक आपको बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग ना हो, फैमिली सपोर्ट ना करी हो, आप उस तरह से खुल के जो है वो अपना खेल भी नहीं पेश कर सकते हैं. तो कितना ज्यादा जरूरी है फैमिली का सपोर्टिव माहौल? आई थिंक 99.9% फैमिली का सारा रोल ही, सारा ही वो, मतलब 0.1% वो कहते हैं ना, कुछ छोड़ देना चाहिए. तो यही है सारा रोल आपका. फैमिली अगर आपकी सपोर्टिव है ना, तो आई थिंक नोबडी कैन मेस विद यू. आप टूर्नामेंट्स खेलते हो, जो भी सिलसिला है उनको पता है, यार नहीं ये इसकी है बैकग्राउंड है या जो भी सिलसिला है. और आप बीइंग अ गर्ल हो, तो टेनिस में या कोई भी गेम हो, आपकी फैमिली होगी साथ, आपको पुश करेगी, तो ही आप बढ़ सकते हो. अच्छा, जब अच्छा खेलते हो, घर आके जब बताते हो, फैमिली का कैसा, मतलब प्राउड फील करते होंगे? मुझे तो ट्रीट मिलती है. मुझे ट्रीट मिलता है. आई एम द वेरी ब्राइट, आई एम द वो सबसे छोटा बच्चा ना, तो मुझे तो मेरी ख्वाहिशात पूरी की जाती है, मुझे जो चाहिए. तो ये है, हारने पे भी मुझे गुस्सा नहीं करते. हाँ, ये मेरा प्लस पॉइंट. ऑब्वियसली हार जीत एक खेल का हिस्सा रहता है. yes, बट मैं खुद से गुस्सा करती हूँ. हाँ, वो है कि हाँ, आप इन चीजों से फिर सीखते हैं ना, आप yes. अपने माइंड में एक चीज बिठा लेते हैं कि नहीं ये चीज है, तो आगे मुझे जो है वो बहुत ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना है. खेल के दौरान देखा जाता है कि प्लेयर्स के साथ कभी आपकी झपट हो जाती है, बहुत सारे ऐसे वाकयात हो जाते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपका तब नजर आता है. yes. कितना मुश्किल होता है? देखिए, इन कोर्ट, अभी जैसे मेरी दो चार फ्रेंड्स भी हैं टेनिस में, बट जब भी हम कोर्ट में होते हैं ना, तो हम एक दूसरे को कम ऑन एंड दिस एंड दैट, वो बाद में माइंड भी करती है यार तुमने क्या किया. तो दैट इज जस्ट इन द कोर्ट, उसके बाहर नहीं. एक तो पहली बात, हमारी लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़ें नहीं आता. गेम इज गेम, एट द एंड आप हैंडशेक करो एंड दैट्स फाइन. मैंने वैसे एक, मैं आई वॉन्ट नेम, मैंने जब नया टूर्नामेंट स्टार्ट किया था, पहला टूर्नामेंट था मेरा, और मेरी एक सीनियर प्लेयर थी मेरे सामने, तो वो इतनी सीनियर थी, लाइक उनको उस वक्त 12 ईयर्स हो गए थे खेलते हुए, और वो मुझे हर बॉल पे, मतलब डेफिनेटली शी इज अ गुड प्लेयर, तो हर बॉल पे वो शॉट मार रही है, और आगे से शी इज लाइक यू नो डिफरेंट टाइप का कम ऑन एंड छोटी मोटी गाली एंड ऑल, एंड आई यूज टू लाफ यार ये क्या है. उसके बाद मैं हाथ मिलाया तो वो साइड से. तो दिस इज नॉट द स्पोर्ट्समैनशिप. बिल्कुल. आई बिलीव आपको अपने जूनियर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए. अभी खैर मैं तो खैर बहुत बेहतर हो गई हूँ, अभी वो नहीं दिखती मुझे. अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये सब चीजें तो साथ साथ चलती रहती हैं, लेग पुलिंग बहुत ज्यादा होती है हर फील्ड में हम देखते हैं, तो कितना कभी ऐसा फील हुआ है कि अच्छा आपको पीछे करने की कोशिश की जा रही है या आपको लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, हमारी लड़कियां अच्छी हैं. हम क्योंकि देखें हमें गर्ल्स इकट्ठी हैं, सब कोई सपोर्ट होती है, चाहिए होती है कि चलो फेडरेशन साथ दे, तो हम सब इस मामले में एक ही हैं कि नहीं यार अब हम भी अलग हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं है. तो ये नहीं है हमारे में, वी आर फ्रेंडली. हाँ, मैच के दौरान होता है कभी कभी ड्रॉज में या इस तरह की चीजें, तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है. अच्छा, आपने बताया कि सिस्टर आपकी इंस्पिरेशन है, उनसे आप इंस्पायर होकर इस तरफ आई. सिस्टर आपकी मीडिया में है, कभी आपका नहीं शौक हुआ कि आप भी मीडिया में जाए? मेरा शौक ही नहीं था, मतलब बचपन से ही ना आई वॉज वेरी स्पोर्टी पर्सन, तो गेम खेलना, खेलते रहना, तो मेरा इस तरफ कभी भी ना ध्यान था और ना ही है. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी अ स्पोर्ट्स पर्सन, बस ये नहीं पता था क्या बनना. और अगर कभी मौका मिला तो?
नहीं नहीं यानी आपने स्पोर्ट्स में ही रहना स्पोर्ट्स है में रहना। अच्छा, पाकिस्तान में आप क्या समझती हैं, क्या चीजें होनी चाहिए टेनिस को लेके, लड़कियों को लेके जो नहीं है, क्योंकि आने वाले लोग जो के डर जाते हैं, लड़कियां खास तौर पे पेरेंट्स मना कर देते हैं, बहुत ज्यादा महंगी गेम है, नहीं आप नहीं ये कर सकते, हम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो क्या कोई मैसेज आप देना चाहें कि ये चीजें आसानियां पैदा की जाए ताकि आपके लोग सामने आए, पाकिस्तान का नाम रोशन। मैं तो एक ही मेरी रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली फेडरेशन अपना काम बहुत अच्छा कर रही है, बट स्टिल मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके टूर्नामेंट्स अरेंज किए जाएं, डिफरेंट टूर्नामेंट्स डिफरेंट सिटीज में हो, हर सिटी में होगा तो डिफरेंट सिटीज की लड़कियां भी आएंगी, क्योंकि उनके लिए शायद बाहर ट्रैवल करना अच्छा, इंटरेक्शन इतनी ज्यादा नहीं है अभी, नहीं बाहर की सिटीज की लड़कियों की हमारी इंटरेक्शन इतनी है, लिमिटेड है, इस्लामाबाद की एक दो हमारी सीनियर प्लेयर्स हैं जो नाइस हैं उनके साथ, सही, तो ये है कि हर जगह टूर्नामेंट्स जब होंगे तो मौके मिले और प्लेयर्स को अप्रिशिएट किया जाए, उनको अच्छे प्लेयर्स भी सामने आएंगे ऑफ कोर्स, तो मेरे ख्याल से कोई अगर सपोज कोई हारता भी है तो मेरे ख्याल से अभी जैसे कोई मेरे से हारता है तो मैं उसको कम ऑन वेल डन इट्स ओके ये मेरी आदत है, तो उसके बाद दैट गर्ल इज ऑलवेज लाइक यार वो मरियम मिर्जा बहुत अच्छी बन गई है, तो आई वांट कि अच्छा चलो एटलीस्ट इस तरह का रखो सिलसिला, तो ये फेडरेशन को करना चाहिए, यानी खेल के साथ साथ एक अच्छी मिसाल भी कायम की जाए। मरियम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी अच्छी बातें आपने की हैं, विश यू गुड लक, आप आगे बढ़े।